वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? अच्छे से? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब बहुत खुश रहें अपनी ज़िंदगी में, हमेशा तरक्की करें, पॉजिटिव रहें। सबसे मेन चीज़ होती है फ्रेंड्स, पॉजिटिव रहना। कोई भी चीज़ है, अगर निगेटिव भी चल रही है अपनी वक्त की धाराएं अगर, तो भी हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। उससे क्या होता है ना, पूरा ब्रह्मांड, जो पूरा ब्रह्मांड है और जो हमारा शरीर है, वो 5 तत्व से ही बना है। हम ब्रह्मांड को मैसेज भेजते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे बुज़ुर्गों ने भी बोला है ये चीज़, तो कि हमारा शरीर ही हमारा मंदिर है ना। तो ये वाकई सही बात है ये। तो जब हम पॉजिटिव सोचते हैं ना, हम मैसेज करते हैं और नेचर को हमें वो चीज़ देनी पड़ती है जो हमें चाहिए। क्योंकि हम बार 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 वो रीथिंक करते हैं ना, तो उनको लगता है अरे अब तो मतलब मैसेज पहुंच गया तो काम हो गया। तो पॉजिटिव रहें फ्रेंड्स। चलिए आज मैं रीडिंग करूँगी आपकी, भगवान हमारे लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। हम अगर किसी सिचुएशन में हैं, अगर कोई ब्रेकअप हो चुका है, कोई नेगेटिव सिचुएशन हमारी ज़िंदगी में चल रही है, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं या फिर कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसका हम निकालेंगे आज कि गॉड की ब्लेसिंग्स या गॉड के मैसेजेस क्या हैं हमारे लिए। तो अभी स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने साईं बाबा के कार्ड्स 2 पायल निकाले हैं, पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2। ये 2 सिचुएशन हो सकती है। कोई अगर पर्सन पायल नंबर 1 को चुनता है तो वो पायल 1 की रीडिंग देखेगा। पायल 1 मतलब कार्ड 1 और ये कार्ड 2, पायल 2। अगर कोई पर्सन इसको चुनता है तो वो इसकी रीडिंग देखेगा। और ये एक जनरल रीडिंग होगी, ज़रूरी नहीं है सबसे रेजोनेट हो। कुछ लोगों से होगी, कुछ लोगों से नहीं होगी। वैसे होगी मुझे लग रहा है। अब मैसेज ज़रूर करिएगा, अगर होती है या नहीं भी होती है ना तो भी मैसेज करिएगा, तो मैं आपके लिए दूसरा वीडियो बनाऊंगी। देखते हैं पायल नंबर 1 में क्या है। इग्नोर। आपको कुछ बातें इग्नोर करने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। कम बोलें, अपने पेन के बारे में लोगों से कम शेयर करें। आजकल का ज़माना नहीं है दुख शेयर करने का। खुशियाँ लोग 4-5 मिनट के लिए खुशियाँ शेयर हो सकती है, लोग उसको एंजॉय करेंगे, पार्टी किया और चला गया। बट जब दुख हम शेयर करते हैं ना, लोग भागने लगते हैं हमसे दूर। तो अपने दुख, अपने अंदर का दुख किसी से शेयर ना करें, किसी को मजाक ना बना देना अपने दुख का। देखो दुख हंस के सहो या रो के सहना हमें ही है, तो दूसरों को क्यों इन्वॉल्व करना, दूसरों को क्यों मज़े लेने देना अपने पेन के। तो ये पायल नंबर 1 का है इग्नोर, ठीक है फ्रेंड्स। पायल नंबर 2 बैलेंस। आपको लाइफ में जिन लोगों ने पायल नंबर 2 चुना है, बैलेंस की जरूरत है। बॉडी में भी बैलेंस की जरूरत है। आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, अपनी डाइट पे भी ध्यान देना चाहिए। आपकी एनर्जीज थोड़ी सी गड़बड़ हो रखी है फ्रेंड्स, तो आप उसको ध्यान दें थोड़ा सा। चलिए रीडिंग चालू करते हैं। चलिए अपन रीडिंग चालू करते हैं। कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है लाइफ में, उसका सॉल्यूशन भी होता है साथ में। तो कभी भी वरी नहीं करें, कभी भी टेंशन नहीं लें, ठीक है। जिंदगी ये चलती रहती है, कभी खुशी कभी गम। और ये करंट एनर्जीज होती हैं, हफ्ते 2 हफ्ते, महीने 2 महीने की। ऐसा नहीं है ये लाइफ के लिए मैं बता रही हूँ आपको, है ना। अगर कुछ ऐसा भी निकलता है तो उसका टेंशन नहीं लें। कभी भी किसी की जिंदगी में बहुत ज़्यादा उथल फुथल है तो ज़रूर ग्रहों को दिखाना चाहिए। मैं तो रेकी हीलिंग करती हूँ, रेकी हीलिंग के थ्रू मैं 9 ग्रह और 7 चक्र हील करती हूँ। तो उससे क्या है ना, ग्रह नक्षत्र भी ठीक हो जाते हैं अपने। ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो हर चीज़ के लिए ज़रूरी है।
सेकेंड पायल के लिए निकला था ना, डीप स्लीप भी आती है उससे, अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके सोते हैं नींद बहुत अच्छी आती है। बस फ्रेंड्स एक बार और कर लूँगा सफ़र, फिर निकालती हूँ पायल नंबर वन की, कार्ड नंबर वन की रीडिंग, जिसका इग्नोर निकला था। ठीक है, आपके लिए निकालते हैं कि भगवान आपको क्या बोलना चाहते हैं आपकी सिचुएशन के लिए, आपकी क्या सिचुएशन है, आपको क्या प्रॉब्लम चल रही है, उसका सॉल्यूशन क्या है और हम कैसे उससे बाहर आ सकते हैं। कुछ लोगों का अभी ब्रेकअप हुआ होगा, कुछ लोगों का जॉब छूटा है तो वो न्यू जॉब सर्च कर रहे हैं, कुछ लोगों को फैमिली मैटर, फैमिली में बहुत झगड़े चल रहे हैं। आपके लिए भगवान का मैसेज है, अभी देखो आपका सिचुएशन क्या था, कुछ लोगों का रिलेशनशिप खत्म हुआ, कुछ लोगों का जॉब खत्म हुआ है ना, सर्च कर रहे थे जॉब, तो उनको न्यू जॉब के ऑप्शंस मिलेंगे। आप टेंशन मत लें, आपको न्यू जॉब के ऑप्शंस मिलेंगे, रिलेशनशिप वालों को भी उनके लिए भी रहेगा। आपका बुध गड़बड़ है फ्रेंड्स, बुध मतलब होता है बुद्धि का कारक, आपको बोलने में दिक्कत आती होगी, कुछ लोगों को जैसे अपनी बात फ्रीक्वेंटली नहीं बोल पाते हैं, उसके लिए हम ये थ्रोट चक्रा को एनर्जाइज करते हैं रेकी में, उसको हेजिटेशन फील होता होगा कई लोगों को, मतलब मन में बहुत रहता है बट स्पष्ट अपनी बात को सामने वाले को समझा नहीं पाते हैं। कई बार ये भी होता होगा कि हम बोल कुछ रहे हैं और सामने वाला ले कुछ रहा है, मतलब उल्टा मतलब ले रहा है, जो हम अच्छे से बात कर रहे हैं उसे और वो उल्टा मतलब लेके अपना मतलब उसने चढ़ गया ऊपर कि अरे भाई आपने ऐसे ये कैसे बोल दिया है ना, तो ये कई बार बुद्ध बुद्ध भी गड़बड़ है आपका और सूर्य भी स्ट्रांग नहीं है। मगर फ्रेंड्स आपका अभी जो भी था, अभी फ्यूचर में आपको ऑप्शंस आने वाले हैं, विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है इसमें और ऑप्शंस का भी कार्ड आया है, तो आपका भी टाइम अच्छा आने वाला, जो भी था गुजर गया। मगर मैं फिर भी आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एक बार बुध की रेमेडी स्टार्ट कर दें करना, उससे क्या होगा ना, उससे जो आपका थॉट प्रोसेस है, जो झगड़े हो रहे हैं फैमिली में है ना, फैमिली मेंबर्स में जो भाई बहन में जो झगड़े हो रहे हैं या और किसी में, वो कम हो जाएंगे और जो आपको भ्रम की सिचुएशन बन रही है, मैं ये करूं या मैं वो करूं, इसको छोड़ूं उसको पकड़ूं, वो क्लियर होगा कहीं ना कहीं है ना, वेटिंग ख़त्म होगी आपकी, चीज़ें क्लियर दिखेंगी आपको कुछ है ना। तो अभी अपन और निकाल लेते हैं एंजल्स ब्लेसिंग्स क्या हैं आपके लिए, वो भी निकाल लेते हैं। इमेजिनेशन, आप इमेजिनेशन तो बहुत अच्छी करते हैं बट उसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं, सो उससे तो इमेजिन तो करते हो कि हाँ मैं ये मैं वो रातों रात मैं महल खड़ा कर दूँ, बट आप उसको यथार्थ के धरातल पे नहीं ला पाते हैं, मतलब इन रियलिटी आप थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं कुछ चीज़ें एक्शन लेने में, या तो हो जाते हैं
या कहना चाहिए अपनी बात रख नहीं पाते हैं, तो लोग उसको समझ नहीं पाते हैं, तो वो कंफ्यूजन क्रिएट रहता है हमेशा, है ना। तो और दूसरा कार्ड आपका है फन का। इंजॉय करें, थोड़ा रिलैक्स करें अपने आप को, थोड़ा अपने मतलब इंजॉय का मतलब जरूरी नहीं आप पार्टी करो, आप घर में भी अच्छा अपनी पसंद का म्यूजिक सुन सकते हो, है ना। तो आप थोड़ा सा, आपके लिए गाइडेंस है कि अपने आप को थोड़ा साईं बाबा ब्लेसिंग्स देख लेते हैं। साईं बाबा पायल नंबर वन के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या मैसेज है उनका आने वाले कल के लिए, क्या ब्लेसिंग्स है बाबा जी, देखते हैं साईं बाबा जी क्या बोलते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, देखिए मैं स्टार्टिंग में यही बात बोल रही थी आपको कि पॉजिटिव रहिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने आप वर्क करेगा, बी लाइक अ मैग्नेट एंड अट्रैक्ट व्हाट यू वांट। अभी आप डिसाइड करो आपको क्या चाहिए, आपको पॉजिटिविटी चाहिए तो पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, आपको नेगेटिविटी चाहिए तो सोचते रहो हाय ये क्यों हो गया, हाय ऐसा कैसे हो गया, और वही सोचते रहो, है ना। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ब्लेसिंग्स आया आपके लिए, पॉजिटिव सोचिए, जो आपको चाहिए आप उसके बारे में सोचो, अच्छा चाहिए ना तो अच्छा सोचो। एंड साइलेंस, ये आपका बुध का तो गड़बड़ मामला लग रहा है मुझे, आप बुध की रेमेडी करो। लर्न द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस, इट स्पीक्स मोर देन अ थाउजेंड वर्ड्स, वेरी नाइस। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप बोलें तो अच्छा बोलें, मतलब किसी से इरिटेट होके ना बोलें। आपके में तो मैं मतलब पहले भी बोलने वाली थी ये चीज़, मतलब झगड़े वाली बात ना बोलें कभी। आप जैसे आपके मुंह से कुछ निकल जाता होगा या सामने वाला गलत मतलब ले रहा है, मैं बोल रही थी ना आपको अभी, वही साईं बाबा ब्लेसिंग्स में निकला है कि आप कुछ टाइम के लिए भी शांत रहें। जैसे अगर कोई गलत मतलब ले रहा है तो बात मत करो, अभी थोड़ा सा उसको स्पेस दे दो, थोड़े दिन बाद जब अपने ग्रह सही हो जाए, है ना। बुध की रेमेडी तो फ्रेंड्स आपको जरूर मैं बोलूँगी आप कीजिए, तो उससे आपको काफ़ी असर लगेगा, काफ़ी बेनिफिट्स होंगे चीज़ों में, जो झगड़े हो रहे हैं, जो जॉब नहीं मिल रही है, रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो सारी आपकी रिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगी। और आपका बहुत अच्छा टाइम आने वाला है फ्रेंड्स, अभी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, अभी जो बुरा वक्त था वो निकल गया है। विश फुलफिलमेंट का कार्ड है ये ऑप्शंस का कार्ड है, तो आपके लिए ऑप्शन अभी ओपन होने वाले हैं हर तरीके से, रिलेशनशिप के, जॉब के, और भी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपकी दिक्कतें हो रही है ना, सबका आपका अभी सॉल्व होने वाला है प्रॉब्लम, तो आप टेंशन मत लो फ्रेंड्स। चलिए आपकी रीडिंग ये हो गई है, अभी पायल नंबर टू की रीडिंग। हेलो पायल नंबर टू, कार्ड नंबर टू, जिन लोगों ने बैलेंस चुना है मैं उनकी रीडिंग करने जा रही हूँ अभी। देखते हैं आपकी जिंदगी में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या होने वाला है, भगवान क्या मैसेज देने वाले हैं आपको। बैलेंस बहुत जरूरी होता है हर चीज का फ्रेंड्स, अति सर्वर्त वर्ज्यते, अति हर चीज की बुरी होती है, बैलेंस लाइफ में बहुत जरूरी होता है हर चीज का, मिठास का, खटास का। अगर आप रिलेशनशिप में भी है ना तो भी हर चीज का बैलेंस होना चाहिए, अपना स्पेस कभी नहीं खोना चाहिए, हमें एक अपना प्राइवेट स्पेस हमेशा रिजर्व रखना चाहिए। क्या होता है ना, ज़्यादा हो जाता है ना अंदर, हर चीज़ शेयर कर रहे हैं, हर चीज़ बता रहे हैं, छोटी छोटी बातों में भी बहुत ओपन हो जाते हैं कई लोग, उनको बहुत दिक्कत आती है बाद में, क्योंकि हमें उतनी बारीकी से हमारा भगवान के अलावा कोई नहीं जान सकता। ये मैं बीच बीच में बोलते रहती हूँ ज्ञान की बातें, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ माई रीडिंग। ये जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं है आपके साथ रेजोनेट हो, अगर होती है तो वेरी नाइस,
आप मुझे मैसेज करके बताएं आपके साथ रेजोनेट अगर होती है तो। अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं भी होती है तो प्लीज़ आप इसको फॉरवर्ड करें, हो सकता है किसी के साथ रेजोनेट हो जाए, हो सकता है किसी को बेनिफिट मिल जाए इसका। और पर्सनल कॉन्टेक्ट करना है फ्रेंड्स तो भी आप कर सकते हैं। चलिए अभी अपन देखते हैं इसमें फ्रेंड्स, मुझे ज़्यादातर लोगों का लग रहा है कि उन लोगों ने शायद अपने बिजनेस या करियर को लेके क्वेश्चन किया है, या हो सकता है मनी मैटर्स को लेके क्वेश्चन किया हो। पहले आप लोगों का बहुत अच्छा था सब कुछ, फाइनेंशियल आप लोग बहुत स्ट्रांग थे, बट बीच में अभी ये चीज़ें थोड़ी सी आपकी गड़बड़ हो गई हैं। गड़बड़ क्या हो गई हैं, थोड़ा सा ख़त्म सी हो गई हैं, मगर आप टेंशन नहीं लें, अभी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपकी लाइफ में जो आपके मनी मैटर को टोटली सॉल्व करने वाला है। ऑप्शन आ रहे हैं, आपका पहले जैसा सब कुछ होने वाला है फ्रेंड्स, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लें। अभी देखो, पहले तो आपका बहुत अच्छा जा रहा था सब कुछ, बहुत अच्छा रॉयल है ना, फिर आपका ये ख़त्म हो गया सब, अपने कहना चाहिए अपने वालों ने ही किया है, कुछ आपकी भी गलतियां रही हैं, कुछ डिसीजंस आपके कुछ ऐसे हो गए हैं जो आपको भारी पड़ गए, कुछ एक्शंस ऐसे हो गए, फैमिली मैटर्स हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं कि ऑफिशियल हो, ये वर्क प्लेस पे हो, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है फ्रेंड्स। अभी आप बिल्कुल टेंशन नहीं ले फ्रेंड्स, ये आपका पीरियड खत्म होने वाला है, अभी न्यू ऑप्शंस आने वाले हैं आपकी लाइफ में। वेट तो करना पड़ेगा अभी फ्रेंड्स, थोड़ा सा आपको थोड़ा वेट तो करना पड़ेगा, देखते हैं साईं बाबा की ब्लेसिंग्स क्या हैं आपके लिए। बाबा जी पायल नंबर 2 के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं आपकी, क्या एडवाइस है आपकी, क्या मैसेजेस हैं आपके। हार्मनी, लेट देयर बी अ हार्मनी ऑफ माइंड बॉडी एंड सोल, दिस विल क्रिएट बैलेंस ऑफ योर ऑल एलिमेंट्स। बाबा जी ने सेम चीज बोल रहे हैं बार बार, बैलेंस बनाइए आप। सरेंडर, अपनी चीजों को ऊपर वाले के ऊपर सरेंडर कर दीजिए, भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, मतलब जो होगा अच्छा होगा। आप हेल्थ इश्यू से भी गुजर सकते हैं अभी, इसमें कुछ लोगों का मुझे हेल्थ इश्यूज लग रहे हैं जिसके कारण बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई हैं उनकी। आप अपनी हेल्थ का ध्यान दें, फूड पे ध्यान दें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, हेल्दी फूड। देखो, हम स्वस्थ होंगे, हम अच्छे होंगे, फिट होंगे। देखो, मोटापा पतला ये सब चलते रहेगा, हमें फिट होना, एनर्जेटिक होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, बाकी सब ठीक है। अब एक चीज़ में मत लगे रहो कि अगर मोटे हैं तो पतले होने में ही लगे रहो, भाई किसी को होता है हेल्थ इश्यूज़ है ना, तो वो धीमे धीमे शॉर्ट आउट होता है, एकदम से क्या आप बोलो एकदम खाने से कट ऑफ हो जाओ तो वीकनेस होगी, फिर क्या करोगे, फिर अपना घर का काम भी नहीं हो पाएगा। तो आप उतना अपने लोगों के कहने पर ना जाएं कि हाय मैं इतनी पतली क्यों हूँ,
हाय मैं इतना पतला क्यों हूँ, हाय मैं ऐसे क्यों दिखता हूँ, मैं काला क्यों, मैं गोरा क्यों, मैं मोटा क्यों, वो सब छोड़ दो, अपने आप को इंजॉय करो। आप अगर सही हो, फिट हो, अपने काम अच्छे से कर रहे हो, दैट्स इट। सांसें चल रही है ना, भगवान ने जो हमें गिफ्ट दिया है चल रही है ना अच्छे से, बस उनका थैंक यू बोलो, बाद में वहीं जाना है ये लोग कोई नहीं जाने वाले साथ में, है ना। तो अभी आप सरेंडर करें, ग्रेसफुली सरेंडर टू योर मास्टर एंड एंजल्स, जिसको भी आप मानते हो, आप किसी गॉड को मानते, गुरु को मानते हैं, किसी शक्ति को मानते हैं, तो उनके उस अपनी सिचुएशन उनके ऊपर सरेंडर कर दो, है ना, छोड़ दो, अपने आप को बैलेंस करो। बैलेंस के दो कार्ड आए हैं साईं बाबा के। अभी मैं आपकी एंजल्स मैसेज और निकाल लेती हूँ। आपके लिए आया लाइट एंड पेशेंस। आप पेशेंस रखें, आपकी जिंदगी में एनलाइटनमेंट होगा ही होगा, डेफिनेटली फॉर श्योर। आपको कुछ टेंशन करने की जरूरत नहीं है, जहां पे होप होती है वहां सब कुछ होता है। धीरज तो रखना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, और इतना अब टाइम जो भी था निकल गया आपका, अभी ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होने वाला है। हो सकता है कुछ लोगों का हो भी गया हो, कुछ कुछ उनको पॉजिटिव साइंस दिख रहे हो कि हाँ जिंदगी में कुछ अब अच्छा होने लगा है, कुछ साइंस दिखते हैं हमें कि किसी ने कुछ अच्छा बोला हमारे बारे में, या कोई सपना अच्छा आया, कुछ कुछ साइंस होते हैं जो हमें खुद को ही क्लिक होते हैं कि अरे आज हमारे साथ बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ, बहुत टाइम बाद गाय माता दिखी, बहुत टाइम बाद ऐसे हुआ कि किसी कोई चिड़िया की आवाज़ सुनी, कोयल की आवाज़ सुनी जो हमें बहुत प्यारी लगी, नीलकंठ दिख गए, मतलब ऐसे कुछ कुछ साइंस होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हमें दिख जाते हैं। तो हमें उन पर फोकस करना चाहिए कि हाँ अभी ज़िंदगी में ये सब धीमे धीमे चेंज होने वाला है, और डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में अब चेंज होने वाला है। आपको किसी भी तरह की आपका इंतज़ार अभी टोटल ख़त्म होने वाला है, ठीक है। आप क्वीन किंग थे, हो और रहोगे, लैविश लाइफ रहेगी आपकी, कोई दिक्कत नहीं है पैसे वैसे की भी। रिलेशनशिप वाले भी थोड़ा सा वेट तो है उनका, बट स्टार्ट होने वाला है अभी ट्रांसफॉर्मेशन, बिग ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है आपकी ज़िंदगी में। तो फ्रेंड्स ये रीडिंग हो गई आपकी, अभी मैं नेक्स्ट रीडिंग लेके आऊँगी। आपको भी किसी टॉपिक पे अगर रीडिंग करानी है आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको वीडियो बना के और आपको रीडिंग कर दूँगी, आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। वैसे तो मेरे जो भी मैसेजेस होते हैं मैं कर ही रही हूँ लोगों की रीडिंग, आप भी कर दोगे तो मैं आपके लिए भी कर दूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको पता चले मैंने कब कब वीडियो डाले हैं, और अपनी फ्रेंड्स को भी बताएं फ्रेंड्स प्लीज, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कुछ नया लाने की कोशिश करती हूँ। और आपको अगर कुछ रीडिंग करानी तो आप भी मुझे मैसेज करो तो मैं आपकी रीडिंग करती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, ओके बाय, टेक केयर।